रेसिपी है ये मेरी खुद की बनाई हुई है। मैं चाहे तो यूट्यूब पे आप देख लीजिए, आपको ऐसी रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल ब्लॉग क्यूट पेट्स। तो आज हम लोग आ गए हैं एक अनदर ब्लॉग के साथ, और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और मज़ेदार क्यों होने वाला है ये नेहा बताएगी, क्योंकि आज हम लोग एक रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो कि साबूदाना से बनता है, जिसको आप नॉर्मल भी खा सकते हो, या तो अगर आपका फास्ट है तो आप उस दिन भी खा सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ज़्यादा मतलब हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है साबूदाना, आपको पता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। और एक बात तुमने बताना भूल ही गया कि ये जो है ये फूड ब्लॉग तो है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि नेहा जो फूड बनाएगी उसको मैं टेस्ट करके नेहा को 10 out of 10 या फिर 10 out of मतलब रेटिंग दूंगी कि उसने कैसा बनाया है। तो ये ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो वेट फॉर माई रिएक्शन। स्टार्ट द वीडियो गाइस। ये जो साबूदाने की जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ ये बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाएगी, इसमें आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ना आधे घंटे पहले ही ये साबूदाना को भिगो कर रख दिया था, जो कि एकदम फूल चुके हैं। देखिए ऐसे पूरे फूल जाने चाहिए। तो अब हम इसके इसमें क्या क्या डालेगा ज़रा ये भी बताइए बहन। हाँ, तो मैंने क्या किया है ना, मैंने सिर्फ आलू ले लिया है, ठीक है, आलू ले लिया है और टमाटर काट लिया है। आप चाहे तो बहुत सारा टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें एक बहुत बड़ा खीरा भी काटा है और थोड़ा सा धनिया पत्ता भी मैंने काट लिया है, और मिर्ची भी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल। तो मैंने एक कुकर में अभी मैं मिर्ची ऐड करूँगी, ठीक है। और ये मैंने लो फ्लेम पे कर दिया है ताकि जल ना जाए मेरी मिर्ची। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये आलू। तो मैंने ये आलू ऐड कर दिया है, अब इसे मैं चला लेती हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये खीरा और ये टमाटर भी सब मैं ऐड करने वाली हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बना रही है, मतलब खीरा ऐड कर रही है। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो रेसिपी है ना ये मैंने खुद से बनाई है, तो आप एक बार इसको टेस्ट करके देखिएगा, फिर आप बताइएगा इसका आपको कैसा लगता है। और इनकी तो अभी रेटिंग देगी। और अब मैं इसको चला लेती हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं व्रत का खाना बना रही थी, इसलिए मैंने इसमें सेंधा नमक ऐड किया है स्वाद अनुसार। मुझे अंदाज़ा है कि कैसे डालना है, तो फिर मैं ऐसे डाल लेती हूँ, लेकिन आप चम्मच से डालिए अगर आपको नहीं पता है तो। और अब मैं ना इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ढक दूंगी। तो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं और मेरा ये थोड़ा सा हो गया है हल्का सा फ्राई, देखिए। और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ ये साबूदाना। तो इस साबूदाना को ना मैंने एक बार फिर से वॉश कर लिया है, तो अब मैं इसको ऐड करती हूँ। और ये हमारे व्रत का खाना है और देखने में सच में बहुत यमी लग रहा है। मुझे तो मन कर रहा है मैं अभी 10 out of 10 दे दूँ। नहीं, 10 out of 10 मत देना, पहले देखना, टेस्ट करना, फिर नो बायस। और अब मैं इसको चला लेती हूँ। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना, बताओ मैं कैसे इसको 10 out of 10 ना दूँ, आप ही लोग बताइए गाइस। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें ऐड करने वाली हूँ वाटर। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वाटर। देखिए मैंने थोड़ा ज़्यादा वाटर ऐड किया है, क्योंकि मैं इसमें सीटी लगाऊंगी तो वो पानी अपने आप वो हो जाएगा, गल वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए मैंने इतना पानी ऐड कर दिया है।
गाइज मैं इसमें पानी और ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये सूपी पसंद है, तो ये सूपी बहुत ही ज्यादा लगता है। तो अब मैं इसको बंद कर दूंगी और इसमें कम से कम 6 से 7 सीटी आने का वेट करूंगी। तो वाह ये कितना टेस्टी लग रहा है, ये देखिए गाइस कितना ज्यादा यमी। ऊपर से मैंने थोड़ा सा टमाटर हल्का सा और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड किया था, जो कि वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था बट पता नहीं वो कहाँ चला गया, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आराम से जल ना जाओ, मेरा मुंह तो ढंग से लाओ, तुम कभी भी वीडियो अच्छा नहीं बनाते ढंग से लाओ। अब ठीक है, मुंह नहीं आ रहा है। बस अपना काम करो। गाइस इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इसको 10 out of 20 देना चाहती हूँ। और एक बात और है कि आज मेरा फास्ट है और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, बस वही थोड़ा मखाना चाय खाया, तो उसमें क्या ही होता है। तो अगर वैसे ये बहुत अच्छा है और उसके बाद भी भूख जब लगती है ना सब कुछ 10 out of 10 ही होता है। तो गाइस आज तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और गाइस मैं आपको एक बात बताना फिर से चाहूँगी कि जो रेसिपी है ये मेरी खुद की बनाई हुई है, मैंने कहीं से नहीं देखा है ना। अगर आप चाहे तो YouTube पे आप देख लीजिए, आपको ऐसी रेसिपी आपको नहीं मिलेगी क्योंकि ये मैंने खुद से बनाया है। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय।